दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जो एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ, वो है पढ़ने का तरीका। जी हाँ, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव और स्मार्ट वे में पढ़ाई करता है वही टॉपर बन पाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने बहुत पढ़ाई की लेकिन उतना आउटकम नहीं आ पाया होगा, आप टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं आ पा रहे होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि आप पढ़ते तो बहुत हो पर टॉपर नहीं बन पा रहे, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को एंड तक देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे राज शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, 80-20% प्रिंसिपल। दोस्तों, चाहे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की बात हो या फिर आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सफलता हासिल करनी हो, हर जगह ये 80-20% प्रिंसिपल लागू होता है। यानी 80% आउटकम कम्स फ्रॉम 20% ऑफ हार्ड वर्क। दरअसल होता क्या है ना कि आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो लेकिन सही पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सही पढ़ाई से मेरा मतलब है कि आप वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो चीजें, वो कंटेंट जिसे आपका बोर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। सुनो, क्या पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या छोड़ना है ये बहुत कम ही लोगों को पता है। अब आप पूछोगे कि हमें वो 20% कंटेंट जिसे बोर्ड इम्पोर्टेंट मानता है वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करो। देखो कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि जो क्वेश्चन 2018 में आया था वही 2020 में पूछ लिया। याद रखना, नया पेपर अगर ताला है तो पुराने पेपर उसकी चाबी है। इसके अलावा अपने टीचर से डिस्कस करो कि कौन सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब आपको पता चल जाए तो सबसे पहले उनको खत्म करो। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है 20% जो लेस इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। नंबर 6, स्टडी इन सीक्वेंस। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जब आप पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आता है, जब सब कुछ ऊपर से जाता है तो पढ़ाई में से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जब तक समझ आ रहा होता है तब तक पढ़ाई करने का मन करेगा, लेकिन जैसे ही समझ आना बंद होगा आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होने का एक ही कारण है, उसके बेसिक्स क्लियर ना होना या उसे सीक्वेंस में ना पढ़ना। हर चीज आपस में कनेक्टेड होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। अगर आप सीधे पांचवा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस पांचवे चैप्टर में पहले चार चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है, उसी अकॉर्डिंग उसे पढ़ना है और जितने भी बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लेने हैं। नंबर 5, क्लियर ऑल योर डाउट्स। दोस्तों, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, इनमें डाउट आना लाजमी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंफ्यूजन होगा, डाउट्स आएंगे। ऐसी सिचुएशन में बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है? वो सर से अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं, डर के मारे। वहीं एक टॉपर बच्चा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करते, अगर आपका एक भी डाउट रहा तो वो अगले आने वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लियर ऑल योर डाउट्स, डू नॉट बी अफ्रेड। नंबर 4, मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी के बावजूद भी कम स्कोर क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, रिवीजन की इम्पोर्टेंस को समझो। आपने जो पढ़ा है वो आपको मगअप होना चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हुआ हो, और रिवीजन करने के लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। गागर में सागर भर दो, कम शब्दों में पूरे चैप्टर को समराइज कर दो ताकि एन टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो अगर अभी तक आप नोट्स नहीं बना रहे थे तो नोट्स बनाना शुरू कर दो। नंबर 3, टीच टू एनीवन। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मैं कहूंगा ज्ञान बांटने से वो ज्ञान आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च हुई थी मेमोरी के ऊपर, जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें 30% याद रहता है, जो हम लिखते हैं वो हमें 50% याद होता है, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं वो हमें 80% याद रहता है। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो किसी और को पढ़ाना शुरू कर दो। दरअसल होता क्या है कि किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इफ यू आर अनेबल टू टीच इट सिंपली इट मींस यू कांट अंडरस्टैंड इट। ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी तक आपको खुद वो चीज अच्छे से समझ नहीं आई है।
इसीलिए हो सके तो अपने दोस्तों को पढ़ाओ। नंबर टू, टेस्ट योरसेल्फ। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर सॉल्व ना करना। जी हाँ, टेस्ट पेपर सॉल्व करके आप खुद में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा, टाइम मैनेज कैसे करना है इसका भी आइडिया होगा, एंड सो मेनी थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टाइम पर मैनेज करने में, और हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। तो टाइमर लगाएं और पेपर सॉल्व करें। आपको पता चलेगा कि आप गिवन टाइम में पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। नंबर वन, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, सपोज कीजिए दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट डेली 3 घंटे पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ, वहीं दूसरा स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। आज पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद या जब मन किया तब पढ़ लिया। आप बताओ कौन अच्छे ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, पहले वाले स्टूडेंट को जो रोज पढ़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ बिना बंक मारे? याद रखिए, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। आपको ना तो भागना है और ना ही रुकना है, बस चलते रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको आज की इस वीडियो से लेकर जानी है वो है कि अपने सिलेबस में उस पोर्शन पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और जो आपने सीखा है उसे दूसरों को सिखाना है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और ज्यादा से ज्यादा रिविजन पर फोकस करना है और रेगुलरिटी बनाए हुए पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करना चाहूंगा मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। सपना एक देखोगे, मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।